आज हम इस वीडियो में जिस फल के पौधे के बारे में बात करेंगे, इस पौधे को कस्टर्ड एप्पल, सुगर एप्पल, शोरीफा, सीताफल, आता, बहुत सारे नामों से जाना जाता है। इस पौधे को आप घर पर पॉट में किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं, इसके बारे में ही आज का वीडियो है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुरजीत और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल किशन गार्डनिंग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर मेरे कस्टर्ड एप्पल के पौधे को देख सकते हैं। ये मेरा एक ग्राफ्टेड पौधा है और यहाँ पर आप देख ही सकते हैं पौधे का ग्राफ्टिंग एरिया। आप जब भी कोई फल का पौधा ग्रो करें, तब कोशिश कीजिए आपका पौधा ग्राफ्टेड हो, क्योंकि फल के पौधे में जो पौधा ग्राफ्टेड होता है उसमें ही हमें सबसे अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं मेरे पौधे में छोटे छोटे फ्लावर्स भी आ चुके हैं। अगर ये सीड का पौधा होता या फिर किसी कलम का पौधा होता तो शायद इसमें उतनी जल्दी फ्रूट्स नहीं आते। इसीलिए आप जब भी कोई फल का पौधा ग्रो करें, तो कोशिश कीजिए आपका पौधा ग्राफ्टेड हो। अगर हम वैरायटी की बात करें, तो आजकल थाईलैंड का बहुत सारे अच्छे अच्छे वैरायटीज़ आ चुके हैं। उनमें से जो भी वैरायटी आपको पसंद आए, उस वैरायटी का पौधा आप खरीद लीजिए और हमेशा एक जेन्युइन नर्सरी से ही पौधे को खरीदिए, ताकि आपको गलत वैरायटी का पौधा ना मिल जाए। अब हम अपने पौधे को इस ग्रो बैग से निकाल लेते हैं, ताकि हम पौधे का रिपोर्टिंग कर पाए। सबसे पहले हम ग्रो बैग को अच्छी तरीके से काट लेते हैं। हमने पौधे को अब निकाल लिया है। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं पौधे का रूट्स कितने अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं। अब हम पौधे को साइड में रख लेते हैं। पौधे को ग्रो करने के लिए मैं यहाँ पर एक 10 इंच का पॉट इस्तेमाल करूँगा। पॉट के नीचे जो ड्रेनेज होल है, उसके ऊपर सबसे पहले हम टूटे पॉट के टुकड़े कुछ इस तरीके से उल्टा करके रख देंगे। यहाँ पर एक और ड्रेनेज होल है, इसके ऊपर भी हम एक छोटा सा टूटा पॉट का टुकड़ा उल्टा करके रख देंगे। अब हम इसके ऊपर सैंड यानी रेत का एक लेयर कर देंगे। इसको हम अच्छी तरीके से बिछा के एक बेड तैयार कर देंगे। ये हमारा ड्रेनेज का काम करेगा और पानी जमने की वजह से कभी भी अपने पौधे का कोई नुकसान नहीं होगा। अब हम पॉट में अपना पॉटिंग मिक्स भरना शुरू करते हैं। इसके लिए हम पॉटिंग मिक्स तैयार करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम दो पार्ट गार्डन सॉयल ले लेंगे। आपके पास जो भी मिट्टी हो, आप उसे ले सकते हैं, लेकिन ये मिट्टी अगर थोड़ा क्ले टाइप का होगा तो आपका पौधा और भी अच्छी तरीके से ग्रो करेगा। इसके साथ हम मिलाएंगे एक पार्ट बालू मिट्टी यानी सैंडी सॉइल। इसके साथ हम मिलाएंगे एक पार्ट कंपोस्ट। यहाँ पर आप भार्मी कंपोस्ट, काउडंग कंपोस्ट, जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ हम मिलाएंगे एक पार्ट कोकोपीट। कोकोपीट मिट्टी के साथ मिलाने से पॉट में पानी बार बार देने का ज़रूरत नहीं होता, क्योंकि कोकोपीट मॉइस्चर को बहुत देर तक अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रखता है। इसके साथ हम मिलाएंगे हर 12 इंच के पॉट के लिए एक मुट्ठी मिक्स्ड फर्टिलाइज़र। इसके ऊपर डिटेल वीडियो चैनल पर मौजूद है, अगर आपने नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में। इसके अलावा इस वीडियो के एंड में आपको लिंक मिल जाएगा, आप चाहे तो देख सकते हैं। अब हम इन चीज़ों को अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। हम अच्छी तरीके से प्रेस करके करके पॉटिंग मिक्स भरेंगे। अब हम पौधे को पॉट के बिल्कुल बीच में रखेंगे और साइड से थोड़ा थोड़ा के रूट बॉल को तोड़ देंगे। ऊपर थोड़ा घास घूस भी उग चुका है, इसीलिए हम इसको तोड़ दे रहे हैं। अब हम फिर से
अपने पॉट में पॉटिंग मिक्स भर लेते हैं। हम अच्छी तरीके से प्रेस करके भरेंगे ताकि सारे एयर पॉकेट्स खत्म हो जाए। पौधे का रिपोर्टिंग अब कंप्लीट हो चुका है। अब हम पौधे में भरपूर पानी दे देते हैं और पूरे मिट्टी को गीला कर देते हैं। किसी भी पौधे को रिपोर्टिंग करने के बाद हम पौधे में हमेशा भरपूर पानी देके पूरे मिट्टी को गीला कर देंगे। उसके बाद अपने पौधे को एक शेडी जगह पर रख देंगे। जब अपने पौधे में नया ग्रोथ हमें दिखने लगेगा तब हम अपने पौधे को फुल सनलाइट में रख देंगे, क्योंकि एक फल का पौधा है और फल के पौधे को ग्रो करने के लिए फुल सनलाइट चाहिए होता है। इसीलिए हम अपने पौधे को हमेशा फुल सनलाइट में ग्रो करेंगे। अब हम बात करते हैं कास्टाडेविल प्लांट का केयर के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं सनलाइट के बारे में। पौधे को हम फुल सनलाइट में ग्रो करेंगे। पौधे को हम ऐसी जगह पर रखेंगे जहाँ पर दिन का 6-7 घंटे का डायरेक्ट सनलाइट पौधे को मिले। इससे पौधे बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो होंगे। अब हम बात करते हैं पानी के बारे में। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं पौधे का मिट्टी अब पूरी तरीके से गीला हो चुका है। इस तरीके से एक बार भरपूर पानी देने के बाद जब तक मिट्टी ऊपर से नहीं सूखने लगेगा तब तक हम दोबारा अपने पौधे में पानी नहीं देंगे, और जब मिट्टी सूख जाएगा तब हम फिर से अपने पौधे में भरपूर पानी दे देंगे। इस तरीके से अगर आप आपके पौधे में पानी देते हैं तो पानी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगा और आपका पौधा बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो होगा। अब हम बात करते हैं खाद यानी फर्टिलाइज़र के बारे में। इस पौधे को भी हम अपने बाकी फल के पौधे की तरह मिक्स्ड फर्टिलाइज़र देंगे। मिक्स्ड फर्टिलाइज़र किस तरीके से बनाना है और इस्तेमाल करना है इसके बारे में मैंने पहले ही डिटेल वीडियो बना रखा है। इस वीडियो के एंड में आपको लिंक मिल जाएगा, आप चाहे तो देख सकते हैं। इसके अलावा पौधे में जब फ्लावरिंग होगा तो हम अपने पौधे में एक अच्छा कोई पोटाश वाला फर्टिलाइज़र देंगे यानी पोटाशियम वाला फर्टिलाइज़र। इसके लिए अगर आप ऑर्गेनिक देना चाहते हैं तो बनाना पील का लिक्विड फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप इनऑर्गेनिक देना चाहते हैं तो एनपीके 0050 यानी सल्फेट ऑफ पोटाश का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम हर 15 दिन में एक बार इन दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल करेंगे। अब हम बात करते हैं पेस्टिसाइड और फंगिसाइड के बारे में। इस पौधे में तो बहुत ही कम किसी पेस्ट का अटैक हमें देखने को मिलता है, इसीलिए रेगुलर बेसिस पे इस पौधे में कोई पेस्टिसाइड स्प्रे करने का ज़रूरत नहीं पड़ता। इसके अलावा अगर हम बात करें फंगिसाइड की तो इस पौधे में थोड़ा बहुत फंगल प्रॉब्लम्स देखे जाते हैं। इनसे बचने के लिए आप हर महीने एक बार कोई अच्छा फंगिसाइड अपने पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे अपने पौधे में किसी भी फंगल अटैक होने का चांस भी काफ़ी कम हो जाएगा। इन सभी केयर टिप्स के अलावा अगर आप आपके पौधे में भरपूर फ्रूट्स चाहते हैं तो आपको एक काम ज़रूर करना होगा, वो है हैंड पॉलिनेशन। जब अपने पौधे में फ्लावर्स खिल जाते हैं उसके बाद हमें अपने पौधे में हैंड पॉलिनेशन करना होता है। जब अपने पौधे में फ्लावर्स खिल जाएंगे तब मैं उसके ऊपर एक अलग से डिटेल वीडियो बनाऊंगा। उस वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। तो आज का वीडियो यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं। अगर आपके मन में कोई भी सवाल या फिर सुझाव हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। इससे जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू। हैप्पी गार्डनिंग।